अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगर आप कर्ज़े में हैं तो ये ज़रूर सुने। एक दोस्त ने अपने एक दोस्त को कर्ज़ दिया और वो कर्ज़ एक बहुत बड़ी अमाउंट थी, 3,000 दिनार। वो टाइम आ गया जब वो टाइम पर कर्ज़ लेने के लिए अपने दोस्त के पास गया कि भाई मुझे मेरे पैसे वापस दो। तो उसने कहा, पैसे तो नहीं मेरे पास, मैं क्लैप्स हो गया हूँ, बिजनेस तो नहीं मेरे पास, मैं तुम्हारी रकम नहीं दे सकता। उसने उसे एक और टाइम दे दिया कि मैं तुम्हें इतने दिनों के बाद दे दूँगा। और जब वो टाइम भी गुजर गया तो उसके बाद उस दोस्त ने कहा कि अब तो पैसे दे दो कि मेरा टाइम पूरा हो गया है। फिर ना दे सका टाइम, आखिरकार मामला जो है कोर्ट में चला गया, काजी के पास चला गया। अब काजी ने जिसको पैसे देने थे उसको बुलाया और कहा कि भाई आपको इसके पैसे देने हैं। कहता है हाँ पैसे तो देने हैं। तो कहते हैं कि देते क्यों नहीं? तो वो कहते हैं कि पैसे तो है ही नहीं, कारोबार ही ख़त्म हो गया है, कर्ज़ा ही तो लिया था पर मेरे पास बचा ही कुछ नहीं। तो काजी कहते हैं अब ये बताओ कब दोगे, कैसे दोगे? तो उसने कहा कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। तो काजी कहते हैं कि तुम्हारे पास 30 दिन का टाइम है, या तो इसके पैसे लौटा दो या 30 दिन के बाद तुम्हें कैद कर दिया जाएगा। ये शख्स घर आया बहुत परेशान, पैसे तो थे नहीं, मगर शायर उलमा ने लिखा किताबों में, ये वाक़या कई बड़ी बड़ी किताबों में लिखा गया और दरूद पाक की फ़ज़ाइल के बड़े बड़े किताबों में लिखा गया है। उस शख्स ने सोचा कि उसने ये एक हदीस पाक पढ़ी हुई थी कि नबी पाक ने फरमाया है कि जो शख्स परेशान हो, मुसीबत ज़दा हो, उससे चाहिए कि मुझ पर कसरत से दरूद पाक पढ़े, चूँकि दरूद पाक पढ़ना मुसीबत और दरूद पाक पढ़ना मुसीबत और परेशानियों को ले जाता है। अब उस आशिक रसूल ने सोचा अब तो कुछ बचा नहीं, उसने दरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया। सुबह से लेकर के शाम तक वो दरूद पाक पढ़ने लगा। 27 दिन गुजर गए, ओनली 3 डेज लेफ्ट, 3 दिन बाकी थे काजी के पास जाने में। 27 दिन गुजर गए दरूद पाक पढ़ते पढ़ते। जब 28वीं रात आई तो आँखें तो बंद हुई पर मुकद्दर जाग गए और उसे ख्वाब में एक आवाज़ आई कि घबराओ नहीं, तुम्हारा कर्ज़ा अदा कर दिया जाएगा, तुम्हारा मसला सॉल्व हो जाएगा। सुबह उठता है दुरूद पाक पढ़ रहा है मगर कहता है ये आवाज़ से तो मसला हल नहीं होगा, पैगाम क्या, वो समझने की कोशिश करता है। 28वां दिन गुजर गया, 29वीं रात आ गई मगर अब आँखें बंद हुई और किस्मत जाग उठी। नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ़ लाए, सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह, और प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि घबराओ नहीं, अली बिन ईसा वज़ीर के पास जाओ, वो तुम्हारा कर्ज अदा कर देगा। अब ये आशिक रसूल सुबह उठा तो वेरी फ्रेश, हशाश मशाश, बहुत खुश हुआ, अब तो काम हो गया। उसने सोचा कि नबी पाक ने ख्वाब में आकर बशारत दी है। फिर जहन में सवाल आया कि अली बिन ईसा के पास जाऊँगा तो वो मुझसे सबूत मांगेगा, सबूत क्या है, प्रूफ क्या है, मैं जाकर उसे कहूँगा कि आप मेरा कर्ज़ा दे दो तो वो ऐसे तो मुझे कर्ज़ा नहीं देगा, और मैं अगर उसे कहूँ कि मुझे नबी पाक ने मुझे ख्वाब में कहा है, अगर मुझसे उसने कोई निशानी मांगी तो मैं उसे क्या कहूँगा। अब आखिरी दिन था, 29वां दिन था, वो भी सारा दिन दुरूद पढ़ते पढ़ते गुजर गया। 30वें दिन का रात, फिर नबी पाक उस रात भी उसके ख्वाब में तशरीफ़ लाए और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अली बिन ईसा वज़ीर के पास जाओ, वो तुम्हारा कर्ज अदा कर देगा। उसने कहा हुजूर चला तो जाऊँगा लेकिन वज़ीर ने मुझसे कोई निशानी तलब की तो मैं क्या जवाब दूँगा। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अली बिन ईशा से कहना कि तुम रोज़ाना फजर के नमाज के बाद 5,000 बार दरूद पाक पढ़ते हो, ये राज फ़कत तुम जानते हो और तुम्हारा रब जानता है। अब ये सुबह जब उठा तो इसे एक निशानी भी मिल चुकी थी, वो बहुत खुश हुआ। अदालत में जाने से पहले वो वज़ीर के दरबार में पहुंच गया, वो उसे ये डर था अगर आज पैसे ना लौटाए तो सज़ा हो सकती है। जब वज़ीर के दरबार में पहुँचा तो वज़ीर अपने मुर्शिदों के साथ बैठा हुआ था, तो कहा उसने मुझसे आपसे बात करनी है, कहा मैं आपके लिए एक पैगाम लाया हूँ। तो वो कहते हैं कि आपने किसका पैगाम लाया है मेरे लिए? तो वो कहते हैं जिसने कर्ज़ लिया था, वो कहते हैं कि मैं आपके लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लाया, वो आशिक रसूल था। वो वज़ीर कहता है कि हुजूर मैं 3,000 दिनार का मरूज़ हूँ, मुझ पर कर्ज़ है और मेरे आका ने मुझ पर बिशारत दी है कि मैं आपसे कहूँ कि आप मेरा कर्ज़ अदा कर दीजिए। अली बिन ईसा कहते हैं क्या कोई सबूत है आपके पास, क्या कोई दलील भी है आपके पास, मैं कैसे मान लूँ कि आपको मेरे पास नबी पाक ने भेजा। आशिक रसूल कहता है मेरे आका ने मुझे दलील भी अता फरमाई है, मुझे एविडेंस भी दिया है और प्रूफ यह है कि हुजूर आप हर रोज़ाना सुबह फजर के नमाज के बाद 5,000 बार नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम का नजराना पेश करते हैं। जब तक 5,000 का अदद पूरा नहीं होता तब तक आप किसी से बात नहीं करते, और ये बात ऐ वज़ीर साहब ये राज सिर्फ आपको पता है और आपका रब जानता है। अल्लाह अकबर, वो अज़ीर झूम उठा, ऐसा आशिक रसूल था जो रोज़ाना सुबह 5,000 दुरूद पाक पढ़ता हो, उसकी तो ईद हो गई।
वो कहता है, झूम कर कहता है, मरहबा या रसूल अल्लाह, मेरे आका ने मेरे दुरूद कबूल कर लिए, इससे बढ़कर मेरे लिए शहादत क्या होगी। अब ये वज़ीर अपने सीट से उठता है, अपने कमरे में जाता है, थोड़ी देर के बाद वापस आता है और उस आसिक रसूल के हाथ में 3,000 दिनार रख कर कहता है कि हुजूर, पहले ये 3,000 दिनार हुजूर पाक के हुक्म का ये 3,000 दिनार है और ये 3,000 दिनार लीजिए, मेरे घर आ पाए, इतनी अच्छी खबर सुनाई आपने, कदम रंजा फरमाया, ये 3,000 उसका नजराना है और ऐसा कीजिए 3,000 और लीजिए, इससे अपने बच्चों के लिए कोई छोटा मोटा काम शुरू कर दीजिएगा और एक वादा करके जाइए, आज के बाद ज़िंदगी में आपको जब भी कभी कोई काम पड़े, मैं आपका भाई हूँ, मुझे यह खिदमत का मौका दीजिएगा। अल्लाह अकबर, वो मकरूज जो एक रात पहले 3,000 दिनार का मकरूज था, कर्ज़े में था, हो सकता है कि उसके बैक ऑफ माइंड ये भी कर चलता हो कि मुझे कल जेल में जाकर गिरफ्तारी देनी है, जेल में जाना है, मगर अब 9,000 दिनार हाथ में है। आशिक रसूल झूमता हुआ, नबी पाक की याद में घूमता हुआ अब अदालत में पहुँचा। अदालत में एवरीबॉडी एक्सपेक्टिंग ओवर देयर कि आज उसे आना है और आकर कहना यही है कि पैसे तो नहीं है, गिरफ्तार कर लो, मगर इस आशिक रसूल ने जाकर 3,000 दिनार जज साहब के हाथ में रख दिए। काजी कहते हैं, पहले ये तो बताओ पैसे आए किधर से, तुम तो कहते हो कि मैं गरीब हूँ, तुम तो कहते थे कि कारोबार नहीं है, एक महीने में इतनी बड़ी रकम का इंतज़ाम कैसे हो गया। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, उस आशिक रसूल ने गोया ज़माने हाल से ये कहा होगा, ये तो करम है उनका वरना मुझ में ऐसी बात नहीं, इतना दिया सरकार ने मुझको, इतनी मेरी औकात नहीं। उसने पूरा वाकया भरी अदालत में सुना दिया। अल्लाह अकबर, मेरी प्यारी बहनों, ये बातें सोचिए कि पहले ज़माने में कैसे आशिक रसूल हुआ करते थे। वो जज, वो काजी भी रसूल पाक का गुलाम था। अपने सीट से उठता और भरे दरबार में अपने चैम्बर में जाता है, अपने कमरे में जाता है और थोड़ी देर के बाद वापस आकर उसके हाथ में भी 3,000 दिनार है और वो 3,000 दिनार जो है वो उस आशिक रसूल के हाथ में रखता है कि सारा सबाब अली बिन ईसा कैसे ले जा सकते हैं, मैं भी तो नबी पाक का गुलाम हूँ, मैं तुम्हारा कर्ज़ा अदा करता हूँ। अच्छा, अब सोचिए एक और अजीब सिनेरी ये बन गया कि जिसने केस किया था वो भी ये देख रहा था और वो भी कहता है कि जज साहब ज़रा रुकिए, मैं भी आशिक रसूल हूँ, मैं भी अपने आका का उम्मती हूँ, मैं भी अपने आका का गुलाम हूँ, अब एक काम कीजिए, कलम कागज़ मंगवाइए, मैं इस आशिक रसूल का कर्ज़ा ही माफ़ कर देता हूँ। अच्छा, अब आशिक रसूल ने 3,000 दिनार जो जज साहब ने दिए थे कि हुजूर ये पैसे आप रख ले, अब तो कर्ज़ा माफ़ हो गया, आपके पैसे का मैं क्या करूँगा। जज साहब कहते हैं, जो पैसा नबी पाक के नाम पे निकाले अब मुझे नहीं चाहिए, ये भी तुम अपने साथ ले जाओ। अल्लाह अकबर, मेरी मीठी इस्लामी बहनों, वो आशिक रसूल एक रात पहले जो 3,000 दिनार का मकरूज है अब 12,000 दिनार लेकर घर को वापस जा रहा है। इस एक वाक्य के अंदर हम सब के लिए दर्स है, जो हम सब के लिए पैगाम है। शायर लिखते हैं ना, दुखों ने जो तुमको घेरा हो तो दुरूद पाक पढ़ो, दुखों ने तुमको जो घेरा हो तो दुरूद पाक पढ़ो, जो हाजिरी की तमन्ना हो तो दुरूद पाक पढ़ो। आज हम सब बहुत सारी प्रॉब्लम से होते हैं, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, हर कर्ज कोई कर्ज में दबा है, कोई फैमिली इशू में डिस्टर्ब है, कोई बीमारी में मुब्तला है, आप किसी भी परेशानी में मुब्तला है, दुरूद पाक ऐसा वसीफ़ा है। लोग बहुत सारे वज़ाइफ़ करते हैं लेकिन हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद। हमें चाहिए कि हम कसरत से दरूद पाक पढ़े और उठते बैठते दरूद पाक पढ़े, क्योंकि दरूद पाक हमारी तमाम परेशानियों को दूर करने का एक ज़रिया है और हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी में दरूद पाक को शामिल करना। और आप यकीन जानिए, जब आपने दरूद पाक पढ़ना अपनी ज़िंदगी में शुमार कर लिया तो आप खुद देखेंगे आपकी सेहत अच्छी होने लगी है, रोज़गार में आपकी बरकत होना शुरू हो जाएगी, आपके चेहरे पर नूर आना शुरू हो जाएगा, आपके घर कि तमाम परेशानियां दूर हो जाएगी, आपकी ज़ुबान पे असर आना शुरू हो जाएगी। यकीन जाने, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। वाखिर दुआना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।